हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मटर की सब्जी। उसके लिए मैंने 300 ग्राम गोभी लिया है, जिसे मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़े में काट रखा है। ये हमारे 5 आलू हैं, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं और ये हमारी थोड़ी सी मटर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालते हैं। तेल को गर्म होने दें। मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो तेल खाते हैं वही तेल का इस्तेमाल करें। फूल गोभी को हम पहले गोल्डन ब्राउन होने तक भून के निकाल लेते हैं। भूनते समय गैस की आंच मीडियम ही रखें। भूनते भूनते हमें 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब फिर से इसमें हम 4 चम्मच तेल डालते हैं इस चम्मच से। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 तेज पत्ता और ये 4-5 लहसुन की खलियां हैं जिसे हम खड़े खड़े डालेंगे। इसे 2 मिनट भून लें। आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, अब हम इसे डाल देते हैं। इसे भी हल्के ब्राउन होने तक भून लें। आलू हमारे ब्राउन हो चुके हैं। मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च है उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, इसे डाल दें। प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी टमाटर डालते हैं। टमाटर को भी मैंने बारीक काट रखा है, इसे भी सॉफ्ट होने तक भून लें। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी मटर डाल देते हैं। एक चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। सारे सूखे मसाले को हम 2 मिनट सब्जी के साथ भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालते हैं इस गिलास से। यदि आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो पानी ज़्यादा डालें। अंत में हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। सब्जी को पकने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। सब्जी हमारी खोलना शुरू हो गई है। अब हम इसमें अपनी फूलगोभी था वो डाल देते हैं। फूलगोभी को पहले डालने से वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसे फिर से ढक के छोड़ देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारे अच्छे से पक चुकी है। अंत में हम थोड़ी सी धनिया पत्ती है जिसे मैंने बारीक काट रखा है डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें।
और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।